Good morning, everyone. I'm Dr. Rahul Garg. I am your braces specialist. I'm MDS orthodontist. Braces. सबसे पहले braces का काम क्या है हमारी life में, हमारी smile में? अगर आपके दांतों के बीच में gap है, आपके दांत बहुत ऊंचे लगते हैं आपको, जिसकी वजह से आपके lips close नहीं हो पाते हैं, आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, जिसकी वजह से आप properly brush नहीं कर पाते हो अपने दांतों को, clean नहीं कर पाते हो, तो उन सब चीज़ों के लिए braces use किए जाते हैं. ब्रेसेस बेसिकली एक पेनलेस प्रोसीजर है जिसमें हम कोई इंजेक्शन यूज़ नहीं करते हैं. आपका इंप्रेशन लिया जाता है, आपकी फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं और सेम डे आपके ब्रेसेस लग जाते हैं. ब्रेसेस का टाइम ड्यूरेशन बेसिकली 1 से 1.5 साल से 2 साल तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके दांत कितने ज़्यादा टेढ़े मेढ़े या ऊँचे हैं. उसके बाद क्वेश्चन आता है, पेशेंट्स के मन में क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब, ब्रेसेस जो हैं उनकी राइट एज क्या है? तो ब्रेसेस की राइट एज 10 से 11 साल से शुरू हो जाती है, जब आपके सारे पक्के दांत आ जाते हैं, और ये किसी भी उम्र तक लगाए जा सकते हैं. अगर आप 40 के हैं, 45 के हैं, 50 के हैं, 60 तक के भी हैं, तो भी आपके लिए ब्रेसेस लग सकते हैं. द थिंग, ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपकी बोन अच्छी होनी चाहिए. दूसरी बात, अब ब्रेसेस लगने के बाद क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? ब्रेसेस लगने के बाद सबसे पहले जो चीज़ चेंज होती है, दैट इज़ योर ब्रश. आपका ब्रश चेंज हो जाता है, आपको एक ऑर्थो ब्रश दिया जाता है, जिससे आपने मॉर्निंग और रात को दो टाइम तो ब्रश करना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है. दूसरी बात ये है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कुरकुरे हो गए, चिप्स हो गए, ये चीज़ें आपकी अवॉइड हो जाएंगी, ठीक है. बाकी आप नॉर्मल खाना वाना सब कुछ खा सकते हो. उसके बाद क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर साहब, हमारे कौन से टाइप के ब्रेसेस लग सकते हैं, कि ब्रेसेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये है कि ब्रेसेस बहुत ज़्यादा टाइप्स के हैं. सबसे पहले आते हैं हमारे पास सिल्वर ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ठीक है. उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, मेटल ब्रेसेस. उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं टूथ कलर्ड ब्रेसेस, जो कि वाइट कलर के होते हैं. कई बच्चे कॉन्शियस होते हैं कि हमारे ब्रेसेस दिखे ना, तो उनके लिए टूथ कलर्ड ब्रेसेस होते हैं, जो कि फ्रंट पे लग जाते हैं. वो दिखते ज़रूर हैं, लेकिन बहुत कम दिखते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल ब्रेसेस. थर्ड नंबर पर आते हैं जो कि हम बोलते हैं लिंगुअल ब्रेसेस. कई पेशेंट्स को होता है कि हमारे ब्रेसेस दिखे ही ना बिल्कुल भी, तो उनके लिए क्या है, उनके दांतों के बैक साइड की तरफ, मतलब अंदर की तरफ, दांतों के बैक साइड की तरफ ब्रेसेस लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते, जिनको हम बोलते हैं लिंगुअल ब्रेसेस, या उनको कह सकते हैं हम हिडन ब्रेसेस, ठीक है. उसके बाद चौथी चीज़ आती है, जो कि बहुत ही लेटेस्ट चीज़ है, दैट इज़ इनविजिलाइन. उसमें क्या है, ब्रेसेस लगते ही नहीं है. बिना ब्रेसेस, बिना वायर्स और बिना डॉक्टर की मदद से आप अपने दांत सीधे कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं इनविजिलाइन. इनविजिलाइन के अंदर क्या है, सपोज़ आपने 2-3 महीने के अंदर अंदर आपने अब्रॉड चले जाना है, आपके पास टाइम नहीं है, अब्रॉड में ब्रेसेस का खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो आप मेरे पास आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाओगे. वहाँ पे जाके आपने अपना एक स्कैन करवाना है. स्कैन होने के बाद आपका एक ट्रीटमेंट प्लान बन के आएगा USA से. उस ट्रीटमेंट प्लान को आप और मैं दोनों मिलकर अप्रूव करेंगे. जब अप्रूव हो गया, उसके बाद आपके 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर अलाइनर्स बन के आ जाएंगे, एक सीक्वेंस ऑफ अलाइनर बन के आ जाएगा. सपोज़ अगर आपका ट्रीटमेंट 1 साल का है, मतलब 12 महीनों का आपका ट्रीटमेंट है, तो आपके 12 महीने के हिसाब से 24 अलाइनर बन के आएंगे. मतलब आपने हर 15 दिनों के बाद अपना अलाइनर चेंज करना है. उस अलाइनर के ऊपर आपका सीक्वेंस रहेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4. इस तरह से आपने हर 15 दिनों के बाद अपना अलाइनर चेंज करना है, और इस तरह से बिना किसी विजिट के आप अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हो. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है, जो हमें लगता है कि पेशेंट्स के मन में है, वो है कि डॉक्टर साहब, दांत निकालने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी क्या? हमें हर पेशेंट के अंदर दांत निकालने पड़ते हैं? द थिंग इज़, हर पेशेंट के अंदर एक्सट्रैक्शन करनी ज़रूरी नहीं है, दांत निकालने हर पेशेंट में ज़रूरी नहीं है. सपोज़ कोई पेशेंट हमारे पास आया, उसके दांत बहुत ऊंचे हैं और उसके दांत पीछे करने हैं हमें, तो हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं है, तो हमें उस केस में दांत निकालने पड़ सकते हैं. वो दांत निकाल के जो गैप वहाँ पे रह जाएगा दांत निकालने का, ब्रेसेस की मदद से हम उस गैप को पूरा का पूरा कवर करके देंगे आपको. और पेशेंट फिर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, इससे कोई वीकनेस आती है, कोई आंखों पे असर पड़ता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल अप्रूव्ड फिनोमिना है. मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है, अनलेस एंड अनटिल पेशेंट के दांत में ऑलरेडी गैप नहीं है. तो ये चीज़ है. अब मैं आपको डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में बताऊँगा. इसमें क्या होता है, बेसिकली एक स्क्रू जिसको हम हड्डी के अंदर फिक्स कर देते हैं, जो कि बड़ा ही पेनलेस प्रोसीजर है, उसको फिक्स कर देते हैं, उसके ऊपर हम दांत लगा देते हैं. पहले होता क्या था, पेशेंट ने एक दांत लगवाना है, उस एक दांत को लगाने के लिए हमें उसके आगे और उसके पीछे वाले दांत की कटिंग करनी पड़ती थी, तो एक दांत के लिए पेशेंट को 3 दांत लगवाने पड़ते थे, और जो आसपास वाले दांत हैं उनको अननेसेसरली हमें ख़राब करना पड़ता था, ठीक है. तो इसमें अब इम्प्लांट में क्या होता है कि हमें जौन सी जगह पर दांत लगवाना है, उसी जगह पर हम इम्प्लांट डाल देते हैं, और उसको 3-4 महीने 6 महीने के बाद वहाँ पर दांत लग जाता है. और दूसरी चीज़ ये है, जो बुज़ुर्ग कई आते हैं, जिनको हमने जबाड़े दिए होते हैं निकालने डालने वाले, तो उनका ऊपर वाला जबाड़ा, तो जिसको हम डेंचर बोलते हैं,
वो डेंचर ऊपर वाला था उनको फिट आ जाता है, लेकिन लोअर डेंचर कई बार फिट नहीं आता है, उसमें खाने में प्रॉब्लम आती है पेशेंट को, क्योंकि नीचे वाली हड्डी ज़्यादा घिसी होती है। तो उन पेशेंट्स के लिए इम्प्लांट्स एक बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है। उसमें क्या है, पेशेंट के हम 2 से लेकर 4 इम्प्लांट्स नीचे बोन के अंदर फिक्स कर देते हैं, उस इम्प्लांट के ऊपर हम डेंचर को फिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है वो टच बटन बन जाता है, वो लोअर डेंचर जो है पेशेंट टच बटन करके उसको फिक्स कर लेता है इम्प्लांट के साथ, ठीक है, और उसको खाना खाने में दिक्कत नहीं आती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर तरुणा, MDS इन कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स। कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री का मतलब है दांतों को हम किस तरह से बचा सकते हैं अगर दांतों में कीड़ा लगा हो, दांत डैमेज्ड हो। एंडोडोंटिक्स का मतलब है कि अगर दांत बहुत ज़्यादा डैमेज है जिसको हम फिलिंग से नहीं बचा सकते तो उसमें हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। तो एंडोडोंटिक्स का मतलब है आई एम अ रूट कैनाल स्पेशलिस्ट बेसिकली, ठीक है। तो आजकल एक्चुअली क्या होता है कि पेशेंट्स को या लोगों को तब तक अवेयरनेस नहीं होती है कि उनके दांतों में क्या प्रॉब्लम है जब तक उन्हें कोई सिम्टम नहीं आता है, ठीक है। सिम्टम नहीं आता है, सिम्टम जैसे कि आप कह सकते हैं कि जब तक कोई पेन नहीं होती है, जब तक कोई ठंडा गर्म नहीं लगता है, जब तक कोई कैविटी नहीं है, जब तक कोई खाना नहीं फंसता, या फिर लोग अगर बहुत ज़्यादा अवेयर हों, ठीक है, अपने दांतों को रूटीनली डेंटल चेकअप कराते हों या मिरर में चेक करते हों कि हमारे दांतों में कोई ब्लैक स्पॉट तो नहीं है, तब वो जाके डेंटिस्ट को विजिट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके दांतों में कोई ब्लैक स्पॉट है या आपको लग रहा है कोई कैविटी हो गया है या फूड लॉजमेंट हो रही है, तो सबसे पहले एडवाइस ये है कि आप जाके अपने नियरेस्ट जो भी डेंटिस्ट है उसको वहाँ जाइए एंड एडवाइस लीजिए उनका कि क्या है। तो वो आपको डेंटल चेकअप करके एंड इफ़ एक्सरे इज़ रिक्वायर्ड तो वो आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान बताएंगे। एक्चुअली होता क्या है, हमारे दांतों की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर इज़ इनेमल, सेकेंड इज़ डेंटिन एंड थर्ड इज़ नर्व। अगर दांतों में कीड़ा पहली या दूसरी परत में लगा होता है, पहली या दूसरी लेयर में लगा होता है, इनेमल में या डेंटिन में, तब तक हम दांत को बचा सकते हैं मतलब कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि फिलिंग करके, अब रेस्ट जिसको हम बोलते हैं रेस्टोरेशन करके, डेंटल फिलिंग करके हम दांत को बचा सकते हैं, ठीक है। अब डेंटल फिलिंग्स बहुत तरह की होती हैं, एक ब्लैक कलर की होती है, टूथ कलर्ड फिलिंग्स आ जाती हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमनली चल रही हैं और जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जिसके सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्पोजिट और यू कैन से द लेज़र फिलिंग्स, ठीक है। वो दांतों के बिल्कुल रंग की होती हैं, ठीक है, एंड दे हैव मच मच बेटर स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू एनी अदर फिलिंग, ठीक है। और अगर सपोज आपके दांतों में वहाँ तक आप जब तक आपको लगता है कि अगर आप इतने अवेयर नहीं हैं, आप ना तो मिरर में देख रहे हैं और ना ही आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, रूटीन चेकअप नहीं करवा रहे हैं, तो आपको पता नहीं लगता अनलेस अंटिल यू गेट द सिम्टम्स कि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो आप डेंटिस्ट के पास तब जाएंगे जब आपके दांतों में दर्द होगा, और जब दर्द होता है तब हम डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं, या ठंडा या गर्म लगना शुरू हो जाता है, उस केस में भी हम आपके दांत को सेव कर सकते हैं अगर आप टाइमली पहुंच जाएं डेंटिस्ट के पास। उस केस में हम आप डेंटिस्ट के पास पहुंचेंगे तो आप डेंटिस्ट आपको डेंटल चेकअप करेंगे, ठीक है, उसके बाद एक्सरे एडवाइस करेंगे, एक्सरे करके वो आपको बताएंगे कि आपके दांतों में जो कीड़ा लगा है वो नस्तक लग चुका है, जिसकी वजह से आपको गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, खाना फंस रहा है, ठीक है, और आपको दर्द हो रहा है। उस केस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट एडवाइज्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं RCT करना, या सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं दांतों को डेड कराना, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड रूट कैनाल। तो रूट कैनाल से भी हम आपके दांत को बचा सकते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था कि अगर दांत इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो पहले डेंटिस्ट को, या आप कह सकते इतना अवेयर नहीं थे वो, या इतने इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे कि वो रूट कैनाल कर सके, तो वो दांत को निकाल देते थे और फिर एडवाइस करते थे कि दांत लगवा लीजिए। बट आजकल इतने न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, इतनी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कि दांत अगर आपका बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो तब भी हम आपके दांत को RCT करके डैमेज्ड दांत को बचा सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले बताया दांतों के बीच में अगर स्पेसिंग है तो हम ब्रेसेस से क्लोज कर सकते हैं, ब्रेसेस से भी क्लोज कर सकते हैं, बट द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आपके दांतों में मिनिमल स्पेसिंग है जिसको हम विदाउट ब्रेसेस कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड विनियर्स। कैप में क्या होता है कि हमें दांत को पूरा कट करना पड़ता है, 360 डिग्री पूरा दांत को छोटा करना पड़ता है, और फिर हम लैब में भेजते हैं इंप्रेशन लेके, फिर आपका कैप बन कर आता है, ठीक है। बट आजकल ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें हमें दांत को पूरा कट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि दांत का जो फ्रंट सर्फेस होता है, जो आगे वाला सर्फेस होता है, उसी में हमें मिनिमल अमाउंट ऑफ कटिंग करके वहाँ पर हम एक विनियर नाम की चीज़ आती है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ उस केस में क्या होता है, दैट इज़ आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो उनके जो दांत हैं वो
शुरू से उनके बाय बर्थ उनके इतने अच्छे दांत नहीं हैं. दे ऑल हैव अंडरगोन द डेंटल ट्रीटमेंट एंड दे ऑल मस्ट बी हैविंग दैट सिरेमिक विनियर्स. आपने सुना होगा जो विनियर्स हैं दैट इज़ जस्ट लाइक योर कॉन्टैक्ट लेंस. जैसे आप आँख में कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं वैसे ही जो विनियर्स हैं वो आपके दांतों के ऊपर फ्रंट सर्फेस पे हम कटिंग करते हैं. मिनिमल अमाउंट ऑफ कटिंग करके आपका इंप्रेशन लेके लैब में भेजते हैं तो वहाँ से विनियर्स बन के आ जाते हैं. दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट विनियर्स एंड दैट यू कैन से द सिरेमिक विनियर्स. ठीक है, एक और तरह के विनियर्स होते हैं जो हम डेंटल ऑफिस में ही फैब्रिकेट करके आपके दांतों पे अप्लाई कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट विनियर्स. टीथ वाइटनिंग भी एक प्रोसीजर है जिसमें हम दांतों का शेड भी वाइट कर सकते हैं. वो दो तरह का होता है. एक तो होता है कि आप डेंटिस्ट के पास गए और आपने बोला कि मुझे टीथ वाइटनिंग कराना है. ठीक है, तो डेंटिस्ट ने क्या किया कि जो डेंटल ब्लीचिंग जेल है उसको अप्लाई किया 45 मिनट्स के लिए. ठीक है, 45 मिनट्स में हमारे 3 सेशंस होते हैं 15-15 मिनट के, और 15 मिनट के बाद आपका कलर चेंज हो जाता है. इफ़ यू वांट कि और चेंज हो जाए तो हम सेकंड एप्लीकेशन करते हैं. इफ़ यू वांट कि और चेंज हो जाए तो हम थर्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं. तो दैट इज़ डेंटल ब्लीचिंग और टीथ वाइटनिंग. ठीक है, फिर एक होता है कि ये तो हो गया इन ऑफिस, आप डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट ने उसी टाइम आपका दांतों को शेड को वाइट कर दिया. फिर एक होता है कि होम ब्लीचिंग. होम ब्लीचिंग में क्या होता है, डेंटिस्ट जो है वो आपके दांतों का इंप्रेशन लेता है, जिसको हम बोलते हैं मिर्चा लेता है, और ट्रे बना के आपको दे देता है. एक ट्रांसपेरेंट कलर की ट्रे होती है, ठीक है, वो बना के आपको दे देता है. दैट इज़ कॉल्ड ब्लीचिंग ट्रे, और उसमें ब्लीचिंग जेल डाल देता है. ठीक है, और ब्लीचिंग जेल आपको प्रिस्क्राइब कर देता है कि आपको इतने दिन या इतने हफ्ते तक पहनना है, और फिर आपके जो ब्लीचिंग जेल से जो इफेक्ट आएगा इतना आपके वाइट हो सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड होम ब्लीचिंग. वो एंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को ही उसमें, पेशेंट की कॉपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है. तो इस तरह के सारे प्रोसीजर्स हैं जो कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री और एंडोरोंटिक्स में आ सकते हैं. ठीक है, तो आपको जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपको अपने डेंटिस्ट के पास एवरी 6 मंथ्स विजिट करना चाहिए, ताकि कुछ भी दिक्कत है, अगर आपके दांतों में ब्लैक स्पॉट है तो वो आपको नहीं पता लगेगा, सिम्टम नहीं आएगा. सिम्टम आपको तब आएगा जब आपके दांतों को हम रिकमेंड करेंगे कि RCT कराना है. तो एवरी 6 मंथ्स यू शुड विजिट टू द नियरेस्ट योर पॉसिबल डेंटिस्ट एंड गेट योर टीथ चेक्ड.